आज फिर क्लास नाइन्थ में एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है लवर प्लास्टिक। लेसन वन का ही टॉपिक है लवर प्लास्टिक, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके विषय में हम आपको आज पूरा बताएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो मिल सके। तो चलिए आगे शुरू करते हैं लवर प्लास्टिक। देखिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है लवर की खोज किसने की थी, तो लवर की खोज की थी हेकल ने। ठीक, एक वैज्ञानिक थे हेकल, तो हेकल ने लवर की खोज की, हेकल ने प्लास्टिक अर्थात लवर की खोज की। पहली लाइन की शुरुआत यहीं से करेंगे कि लवर की खोज अर्थात प्लास्टिक की खोज हेकल नामक वैज्ञानिक ने की। ठीक, अब लवर होता क्या है, तो जो लवक होता है वो जीवाणु कवक नीले हरे शैवाल में नहीं पाया जाता, में नहीं पाया जाता, इसे लिख दिया है जीवाणु कवक नीले हरे शैवाल के अतिरिक्त, मतलब उनके अतिरिक्त सभी पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। जितने भी प्लांट सेल हैं उन सब में लवक पाए जाते हैं, पाए गए घरों में नहीं जाते हैं, तो जीवाणु कवक नीले हरे शैवाल में नहीं पाए जाते हैं। ठीक, जीवाणु कवक नीले हरे शैवाल में नहीं पाए जाते हैं और पाए किसमें जाते हैं, सभी पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक, अब ये होते कैसे हैं, तो ये गोल अंडाकार या चपटे होते हैं। ठीक, गोल भी हो सकते हैं, अंडाकार भी हो सकते हैं और चपटे भी हो सकते हैं। ठीक, इनमें वर्णक होता है, वर्णक मतलब कलर रंग, तो इसमें जो होता है वर्णक कलर होता है, रंग होता है। ये कोशिकाओं में प्रायः बहुत अधिक संख्या में मिलते हैं, कोशिकाओं में इनकी संख्या बहुत अधिक होती है, तो ये कोशिकाओं में संख्या में बहुत अधिक मिलते हैं। ये एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं, ये एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं। इसका मतलब समझे आप कि जो ये लवक होते हैं, कभी ये किसी दूसरे आकार मतलब रूप में होते हैं, फिर किसी दूसरे रूप में बदल जाते हैं, तो इसीलिए लिखा है कि ये एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं। अभी हम आपको बताएंगे कि इसका और मतलब क्या है। ठीक, तो ये है, तो लवक की परिभाषा क्या लिखेंगे, लवक समझ गए, तो लवक की परिभाषा क्या लिखेंगे कि लवक की खोज हेकल नामक वैज्ञानिक ने की थी, ये जीवाणु कवक नीले हरे शैवाल के अतिरिक्त सभी पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, ये गोल अंडाकार या चपटे आकार के होते हैं, इनमें वर्णक होता है अर्थात रंग होता है, ये कोशिकाओं में प्रायः बहुत अधिक संख्या में होते हैं और ये एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं। तो ये हो गई लवक की परिभाषा, प्लास्टिक की परिभाषा। इंग्लिश में से कहते हैं प्लास्टिड। ठीक, लेकिन ये बहुत होते हैं इसलिए हमने लिख दिया प्लास्टिड्स। ठीक, तो ये लवक की परिभाषा कंप्लीट हो गई। अब आता है लवक के प्रकार, तो जो लवक होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, नंबर एक आवरणी लवक, नंबर दो वर्णी लवक, नंबर तीन हरित लवक। वर्णी लवक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्या कहते हैं, ल्यूकोप्लास्ट। वर्णी लवक को क्या कहते हैं, क्रोमोप्लास्ट। और हरित लवक इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। नाम सुना होगा आपने क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। ठीक, तो ये हरित लवक हो गया, तीन लवक होते हैं। लेकिन ये लवक किस आधार पर बनाए गए हैं, तो इनका आधार क्या है, तो लवक को जो लवक के प्रकार बनाए गए हैं वो उनके कार्य गुण और उनके रंग के आधार पर, कार्य क्या है, गुण क्या है और उनका कलर कैसा है, तो इन तीन के आधार पर जो है लवक को तीन भाग में बांट दिया गया, अवर्णी लवक, वर्णी लवक, हरित लवक। ठीक, तो अब पहला आता है अवर्णी लवक, अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट। क्या परिभाषा लिखेंगे इसकी, तो लिखेंगे
ये अब आ माने होता है नहीं, वर्ड माने कलर रंग, तो जिसमें कलर ना हो, जिसमें कलर ना हो तो अवर्णी लवक, अर्थात ऐसे लवक जिसमें कलर ना हो अर्थात रंगहीन हो। तो वही परिभाषा है कि अवर्णी लवक अर्थात ये रंगहीन होते हैं अर्थात जिसमें कोई कलर नहीं पाया जाता। ठीक, आगे क्या है, इसमें मंड, क्या मंड, इसमें मंड वसा प्रोटीन संग्रहित रहते हैं। इस लवक में क्या क्या इकट्ठा रहता है, इस लवक में मंड इकट्ठा होता है, वसा और प्रोटीन संग्रहित अर्थात इकट्ठा होते हैं। तो ये हो गया लवक, अवर्णी लवक। ठीक, तो अवर्णी लवक की परिभाषा हो गई। फिर अवर्णी लवक के भी तीन प्रकार बताए गए हैं। ठीक, अवर्णी लवक के तीन प्रकार बताए गए हैं, ल्यूकोप्लास्ट, एमाइडोप्लास्ट, एमाइडोप्लास्ट है, फिर दूसरा है ल्यूकोप्लास्ट, फिर तीसरा है प्रोटीनोप्लास्ट। पहला कौन सा, एमाइडोप्लास्ट, पहला कौन सा, एमाइडोप्लास्ट, दूसरा ल्यूकोप्लास्ट, तीसरा प्रोटीनोप्लास्ट। तो ये लवक के तीन प्रकार और होते हैं। तो एमाइडोप्लास्ट में क्या होता है, एमाइडोप्लास्ट में मंड संचित होता है, एमाइडोप्लास्ट में क्या संचित होता है, मंड संचित होता है। फिर दूसरा आता है ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट में तेल और वसा संचित होती है, तेल और वसा संचित होती है। तीसरा आता है प्रोटीनोप्लास्ट, तो प्रोटीनोप्लास्ट में प्रोटीन संचित होती है। ठीक, तो ये हमने बता दिए हैं अवर्णी लवक के प्रकार भी, आप इसको जरूर लिख लें। ठीक, अब दूसरा आता है वर्णी लवक, वर्ण माने होता है कलर रंग। तो आप संसार में जितनी भी कलरफुल चीजें देखते हैं, जैसे फूल है, पत्ती मतलब फूल है, और कुछ विशेष आकार के पत्तियां भी होती, विशेष प्रकार के विशेष रंग की पत्तियां होती है, जैसे लाल पत्ती है या कुछ भी है। तो जितने भी कलर देखते हैं आप पेड़ पौधों में, वो कलर किसके द्वारा होते हैं, वर्णी लवक के द्वारा होते हैं अर्थात क्रोमोप्लास्ट के द्वारा होते हैं। तो वर्णी लवक की परिभाषा क्या होती है कि वर्णी लवक रंगीन होते हैं। कैसे होते हैं, रंगीन, कलरफुल, ये फूलों फलों आदि को आकर्षक रंग देते हैं। जितने भी फूल और फल के जितने भी कलर होते हैं वो सब हरे को छोड़कर, किसको छोड़कर, हरे रंग को छोड़कर, किसको छोड़कर, हरे रंग को छोड़कर बाकी जितने भी कलर होते हैं वो सब किसके कारण होते हैं, वर्णी लवक के कारण होते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, किस रंग को छोड़कर, वर्णी लवक में किस रंग को छोड़कर, हरे रंग को छोड़कर, हरे रंग को छोड़कर बाकी जितने भी रंग होते हैं वो सब किसके द्वारा होते हैं, वर्णी लवक के द्वारा होते हैं। ठीक, जैसे आपने गुलाब का फूल देखा लाल पंखुड़ियां होती हैं, कनेर का देखा होगा पीला फूल होता है, वो सब किस वजह से रंगीन होते हैं, वर्णी लवक के कारण होते हैं। ठीक, तो ये वर्णी लवक की परिभाषा हो गई। फिर तीसरा आता है हरित लवक, हरित लवक को इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। संसार में जितनी भी चीजें आपको हरी दिखाई देती हैं, हरी ग्रीन, तो जितनी भी चीजें हरी दिखाई देती हैं वो सब हरित लवक के कारण ही होती हैं। हरित लवक थोड़ा बड़ा है, डिटेल में है, तो हरित लवक को हम आज नहीं बल्कि कल के वीडियो में पढ़ेंगे, पूरा हरित लवक के विषय में जानेंगे। हरित लवक क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हरित लवक, तो हरित लवक हम कल के विषय में पढ़ेंगे, आज पहले पूरे लवक जान लेंगे। ठीक, तो जो लवक होते हैं तीन, ये लवक एक दूसरे में ट्रांसफर होते रहते हैं। आपने देखा होगा टमाटर, टमाटर देखा है, टमाटर पहले जब पेड़ में लगा होता है तो किस रंग का होता है, हरे रंग का होता है। टमाटर जब पेड़ में लगा होता है पहले तो वो हरे रंग का होता है, फिर वो किस रंग का हो जाता है बाद में वो लाल रंग का हो जाता है। ठीक, तो इसी प्रकार से आलू देखा होगा, आलू पहले कैसा होता है, सफेद होता है। ठीक, उसके बाद अगर आलू का कोई भाग भूमि से बाहर निकला होता है तो वो प्रकाश के कारण हरा हो जाता है। ठीक, आपने मिर्च देखी होगी, मिर्च हरी होती है लेकिन जब उसको काफी दिन तक रखा जाता है फिर वो कैसी हो जाती है, लाल हो जाती है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि इनका ये रंग जो होता है वो एक दूसरे में बदल कैसे जाता है, कि टमाटर पहले हरा फिर लाल हो गया, मिर्च पहले हरी फिर लाल हो गई, आलू
सफेद होता है लेकिन किसी कारण उसको हरा हो जाता है। आखिर ये होता कैसे है, क्यों होता है, तो हम इसको जानेंगे इसी में। देखिए पूछा भी जाता है कि क्या कारण है कि टमाटर हरे रंग का होता है लेकिन कुछ समय बाद वो लाल रंग में बदल जाता है, ऐसा क्यों होता है, तो इस प्रश्न का उत्तर आपको उन्हीं में मिलेगा। आइए जानते हैं। देखिए जो आवरणी लवक है वो हरित लवक में बदल सकता है। जैसे आवरणी लवक का उदाहरण माना जाए आलू, आलू में कोई कलर नहीं होता है, सफेद होता है, तो आलू आवरणी लवक का उदाहरण है। ठीक, आवरणी लवक आलू होता है लेकिन आलू अगर भूमि के बाहर थोड़ा सा निकला तो वो हरा हो जाता है, अर्थात जो आवरणी लवक था सफेद वो हरा हो गया, मतलब अब किस रंग में बदल गया, हरित रंग, हरित लवक में बदल गया वो। आवरणी लवक किस में बदल गया, हरित लवक में बदल गया। ठीक, इसी प्रकार से जैसे टमाटर पहले कैसा होता है, टमाटर पहले कैसा होता है हरित लवक के कारण, हरित लवक के कारण कैसा होता है, हरा होता है। टमाटर हरित लवक के कारण हरा होता है लेकिन हरित लवक फिर किस रंग में, लाल रंग के वर्णी लवक में बदल जाता है। हरित लवक किस रंग में बदल गया, लाल रंग के वर्णी लवक में बदल गया, जिस कारण से हरा टमाटर लाल हो जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि कैसे किसी भी चीज का रंग एक रंग से दूसरे रंग में परिवर्तित हो जाता है, तो वो होता है इन लवक के द्वारा। लवक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल के वीडियो में जब कल हम नया वीडियो बनाएंगे तो हम उसमें आपको लवक पढ़ाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद है कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं आपकी समस्या का निराकरण करूंगा। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।